हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मैगी की रेसिपी। मैगी तो हम सब घर में बहुत बार बनाते हैं, बच्चों के लिए, कभी बड़ों के लिए। पर क्या आपने कभी ऐसी रेसिपी ट्राई की हो जो एकदम यूनिक हो और जिसे खाने के बाद आपको लगे कि वाओ, ये रेसिपी काश मैं सबके साथ शेयर कर पाते। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और आज जब मैंने घर के नाश्ते में सबके लिए ये मैगी बनाई तो सब वाह वाह कर उठे। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये रेसिपी लेकर आती हूँ। तो चलिए फटाफट से दोस्तों रेसिपी वीडियो शुरू कर लेते हैं। और मैगी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैगी बनाने के लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाही, और कढ़ाही में मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। तो आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब जो है इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक, और गार्लिक को हल्का सा सोटे कर लेते हैं। गार्लिक के बाद इसमें जाएगी 2 मोटी वाली हरी मिर्चें जिनको मैंने स्लिट कर लिया है। मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई कर लें। और इसके बाद से यहाँ पर ली है 2 छोटी साइज की प्याज जिनको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी हम थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं कुल 3 पैकेट मैगी बनाने वाली हूँ। जो 12 रुपए की पैकेट मैगी आती है वो मैंने यहाँ पर 3 पैकेट मैगी को पहले से निकाल कर रख लिया है। और प्याज अभी हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, तब जो है इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। और मैंने 2 टमाटर चॉप किए थे जिनमें से कि 1.5 टमाटर लगभग मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टमाटर को हम बचा कर रखेंगे मैगी में बाद में यूज़ करने के लिए। तो अभी टमाटर को भी हम अच्छे से कुक कर लेते हैं धीमे धीमे फ्लेम पर। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर जो है कुक हो चुके हैं, टमाटर मतलब गल चुके हैं। इसके बाद से जाएंगे यहाँ पर कुछ स्पेशल मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्ट जा रहा है, उसके बाद से मैं ले रही हूँ जीरे का पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जो कि है 1/2 टीस्पून, ओरिगेनो है 1 टीस्पून, साथ ही चिली फ्लेक्स ये भी 1 टीस्पून है, और बेजिल लीव्स है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 बेजिल लीव्स लिए हैं। और बेजिल लीव्स को हम ऐसे ही हाथों से ही थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है मैक्सिकन मैगी में। अगर आपके पास बेजिल लीव्स ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही ब्लैक पेपर कॉर्न है लगभग 8 से 10। और बस अब इन मसालों को थोड़ा सा 30 से 40 सेकेंड के लिए सिम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि इस टाइम पर फ्लेम हमारी सिम होनी चाहिए, नहीं तो ये जो सूखे मसाले हैं उनके जलने का डर होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि मसाले हमारे काफी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर मैं पानी ऐड करूंगी, और पानी हमें लेना है 3 पैकेट मैगी के हिसाब से 3 कप। तो आप जो है पानी को नाप कर ही डालें। तो मैं यहाँ पर 3 पैकेट मैगी में 3 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 1 पैकेट मैगी बनाएं तो सिर्फ 1 कप पानी डालें, और पानी को डालकर मसालों में अच्छे से चला लेंगे। और अब इसे तेज फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को तेज करके और पानी को एक बार छोड़ रही हूँ उबाल आने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पानी में काफ़ी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। इस टाइम पर हम यहाँ पर डालेंगे मैगी जो मैंने पहले से पैकेट से निकाल कर और तोड़ कर रखी हुई है। तो मैगी को आप बारीक भी कर सकते हैं या फिर जिस तरह से तोड़ा हुआ है लंबे लंबे साइजेस में, वैसे भी तोड़ कर रख सकते हैं। और साथ ही अभी यहाँ पर 3 पैकेट मैगी मसाला, 3 पैकेट के हिसाब से जो तीनों मैगी मसाले का पैकेट है वो मैं यहाँ पर एक साथ ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर अभी सारे मैगी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिला लेते हैं। और पानी का लेवल आप देख रहे हैं कि कितना है, जितनी मैगी है उतना ही पानी है। वैसे तो मैगी के पैकेट पर लिखा होता है कि 1 पैकेट में 1.5 कप पानी, पर मैंने यहाँ पर 1 पैकेट में सिर्फ 1 कप पानी का यूज़ किया है।
क्योंकि ये मैगी इतने ही पानी में काफी आराम से पक जाती है। और अब मैं क्या करूंगी कि फ्लेम को सिम कर दूंगी, मैगी को अच्छे से चला दिया है। और इस टाइम पर हम जो है यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए एकदम सिम फ्लेम पर मैगी को छोड़ देते हैं। इस टाइम पर इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा, साथ ही मैगी भी पक जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं 5 मिनट के बाद। और 5 मिनट के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, मैगी हमारी सूख कर काफी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसका पानी सूख गया है और मैगी भी काफी अच्छी तरीके से कुक हो गई है। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ लेमन जूस, यानी कि लेमन को काट कर और हाफ लेमन का जितना जूस निकला या फिर 2 टीस्पून आप मान लें तो लेमन जूस ऐड किया है। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्रश की हुई चीज़। तो आप जो है मोजरेला चीज़ को क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर रेडीमेड क्रश वाली मोजरेला चीज़ है, वो मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप ऐड किया है। और इसे वापस से ढक कर छोड़ दूंगी 1 मिनट के लिए, जिससे कि चीज़ हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और 1 मिनट के बाद जो है आप देख रहे हैं कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब इस टाइम पर मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी, चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लें। और हाँ, एक बात और कहूँगी कि चीज़ यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। और अगर आपको चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। बिना चीज़ के भी हमारी मैक्सिकन फ्लेवर की मैगी बनकर तैयार है। तो अभी आप देख रहे हैं मैगी को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। और अब इस पर डालेंगे चॉप किया हुआ टोमेटो जो मैंने बचा कर रखा था, साथ ही चॉप्ड कुकुम्बर, साथ ही है चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर। अगर आपके पास ग्रीन स्प्रिंग अनियन है तो वो भी आप यहाँ पर चॉप करके डाल सकते हैं। और थोड़ी सी जो चीज़ है वो मैंने बचा कर रखी थी, तो गर्मा गर्म मैगी पर ये चीज़ डाल देते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो जैसा कि दोस्तों भी आप देख रहे हैं, हमारी मैक्सिकन फ्लेवर की मैगी बनकर तैयार है। तो मैगी को बनाइए, इंजॉय करिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी अपने नए रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।